गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस चैप्टर नंबर फाइव आज अपन रीड करने वाला है चैप्टर नंबर सेवन हु विल प्ले विथ मी मेरे साथ कौन खेलेगा देखते हैं स्टोरी अभी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने लायक है लेट स्टार्ट ज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय ये स्टोरी किसकी किसी लड़के की है, है कि नहीं है वाई डज़ नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल वो देखो पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वन डे ही मेड्स सम क्रिएचर एक दिन वो क्या एक दिन किसको मिलता है वो किसी पशु पक्षियों को मिलता है मतलब कुछ पशु पक्षियों को मिलता है क्रिएचर इसका मीन्स क्या होता है पशु पक्षियों को वो मिलता है देन ही चेंज और वो पूरी तरह से क्या होता है बदल जाता है वाई डज ही चेंज हिमसल वो स्वयं को क्यों बदलता है लेट्स फाइंड आउट आओ पता लगाते तो एक ये लड़की की स्टोरी है जो क्या करता है बिल्कुल स्टडी को मतलब पसंद ही नहीं करता पढ़ाई को पसंद ही नहीं करता है वो एक दिन क्या मिलता है कुछ जानवरों से मिलता है और वो क्या करता है खुद में फिर स्वयं को बदलता है वो स्वयं को क्यों बदलता है वो देखो फाइंड आउट करता है दिस इज रोहित कौन है ये रोहित है ही डज नॉट लाइक हिज स्टडी वो पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता ऑल ऑफ हिज फ्रेंड गो टू स्कूल डेली और जो उसके फ्रेंड्स थे वो डेली स्कूल जाते थे बट ही डज नॉट गो दर वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाता था ही वंडर्स हियर एंड दियर वह इधर उधर घूमता रहता है वन डे ही गोस टू द गार्डन नियर हिज होम एक दिन वो क्या करता है अपने घर के आस पास है ना जाता है घर के आस पास जो गार्डन है वहाँ घूमने जाता है ही वन डे ही गोस टू द गार्डन नियर इज होम एक दिन वो क्या करता है गार्डन में जाता है अपने घर के पास जो गार्डन होता है उसमें जाता है ही फाइंड नो अदर चिल्ड्रंस इन द गार्डन टू प्ले विथ वो देखता है कि गार्डन में कोई भी बच्चा नहीं है उसके साथ खेलने के लिए कोई भी बच्चा इसीलिए नहीं था क्योंकि सारे बच्चे कहाँ गए थे खेलने के लिए गए हुए नहीं सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे और वो क्या कर रहा था इधर उधर क्या कर रहा था घूम रहा था और अपने घर के पास जो गार्डन है वहाँ चला गया था और देखता है कि वहाँ बिल्कुल भी कोई भी बच्चा नहीं रहता क्योंकि सारे बच्चे कहाँ रहते हैं स्कूल में रहते हैं देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है ही सिट ऑन ए बेंच Under the banyan tree. और वो पेड़ होता है ना वहां पर जाके वो बैठ जाता है लार्ज लंबी सी बेंच बै, बनी हुई रहती है वहां पे एक बरगद का पेड़ होता है वो वहां जाके बैठ जाता है आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद ही नोटिस ए पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लोवर बर्ड्स और कुछ समय बाद वो देखता है कि जो फ्लोवर्स की छोटी छोटी सी जो फ्लॉवर्स लगे हुए रहते हैं ना गार्डन में आस पास, पर देखता है डांस कर रहा हिम वो नोटिस करता है वो देखता है उसे की यार ये फ्लॉवर क्या कर रहा है फूलों के आस पास डांस कर रहा है रोहित वॉक्स टू दिकोक रोहित क्या करता है पिकॉक के पास जाता है एंड सेट टू हिम और उसे बोलता है विल यू प्ले विथ मी उसे पूछता क्या तुम मेरे साथ खेलोगे द पिकॉक से आई एम विजी आई एम डांसिंग पिको क्या कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ मैं क्या कर रहा हूँ डांस कर रहा हूँ आई कैन नॉट प्ले विथ यू मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता देखो वो क्या कहता है पिकॉक वो पिकॉक के पास जाता है तो पिको क्या कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता ही हैपन टू सी ए पैरट बिल्कुल समय बाद वो किसको देखता है पैरट को देखता है कौए को देख क्रो को देखता है स्पैरो को देखता है एंड हॉर्स को वो छो तो को देखता है कौवे को देखता है छोटे छोटे चिड़िया घोड़े सभी को क्या करता है देखता है ही आस्क दे द सेम क्वेश्चन और वो सभी से क्या पूछता है एक ही क्वेश्चन पूछता है विल यू प्ले विथ मी क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो तो वो सभी क्या कहते हैं वी आर बिजी हम सभी क्या है व्यस्त है वी हैव मैनी थिंग्स टू डू हमारे साथ हमारे पास बहुत सारे काम हैं हम वो करना चाहते हैं वी कैन नॉट प्ले विथ यू दे रिप्लाई और वो सारे क्या कहते हैं हम सभी क्या है व्यस्त है हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हमारे पास बहुत सारे काम हैं हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेल सकते आगे देखो दिस हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित और यही बात रोहित पे क्या डालती है सबसे बड़ी इम्पैक्ट डालती है ही सेज टू हिमसेल्फ ऑल ऑफ दैम आर बिजी और वो क्या करता है खुद को ही बोलता है कि सभी जने क्या है व्यस्त है दे आर डूइंग समथिंग और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इट इज़ ओनली आई वो क्या करता है कि सभी जन बिजी है सभी व्यस्त है। एक मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क अब क्या करूँगा? मैं भी खुद का ही काम करूँगा। एंड कीपाय कीप एंड कीप keep myself busy। अब मैं खुद को भी क्या रखूंगा बिजी रखूंगा आई विल गिव अप माई लेजीनेस मैं क्या करूँगा अपने आलस्य को क्या करूँगा त्याग दूंगा ही रिटर्न होम एंड डिसाइड टू गो स्कूल डेली और वह क्या करता है फिर वापस घर पर आता है और डिसाइड करता है निश्चित करता है कि अब मैं भी क्या करूँगा डेली स्कूल जाऊँगा ही स्टार्ट स्टडिंग अल्टरने ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंड ली एंड कंप्लीट्स इज होमवर्क वर्क ऑल्सो और वो क्या करता है डेली की डेली क्लास को क्या करता है अटेंड करता है डेली स्टडी करता है और कंप्ली अपने होमवर्क को भी क्या करता है कम्प्लीट रखता है ही लर्न इज लेसन रेगुलरली और वो अपने जो सारे लेसन है रेगुलरली क्या करता है रीड करता है डेली की डेली क्या करता है लीन रर्ड लर्न करता है जैसे अपन क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं और आप लर्न कर जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आप भी उसको लर्न करोगे जैसे वे यही रोहित कर रहा है कि अब जो भी क्लास में उसे पढ़ाया जाता है जो भी वर्क होता है वो उसे कंप्लीट करता है और जो भी वर्क दिया जाता है वो उसे लर्न करता है उसे राइट भी करता है नेक्स्ट देखो इन द इवनिंग ही प्ले ग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड और एक शाम के समय वो क्या करता है शाम के समय भी वो प्ले ग्राउंड में जाता है और देखता है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ हैं ही प्ले विथ डैम और वो क्या करता है उनके साथ खेलता है फोर एंड ओवर एक घंटे वो क्या करता है उनके साथ खेलता है आफ्टर रिटर्निंग होम ही टैक्स हिज डिनर वापस फिर घर पे आता है एंड देन एक्सरसाइज विथ एंड देन एंड देन रिवाइज वॉट ही स्टडी एट स्कूल और फिर वापस शाम को आता है खेलने के बाद जो शाम को क्या करता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है फिर अपने वो शाम के समय कहाँ जाता है प्ले ग्राउंड में जाता है और वहाँ है कि उसके सारे दोस्त क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं फिर वो क्या करता है वापस घर आता है खेलने के बाद अपना खाना खाता है और फिर जो भी उसने स्कूल में पढ़ा उसे क्या करता है रिवाइज़ करता है विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर और ये क्या कर सभी देखते हैं कि उसके बिहेवियर में कितना चेंजेस आया ही नाउ लाइकड बाई एवरी वन और सभी जन अब उससे क्या पसंद करते हैं हीस टीचर प्राइज प्राइज हिम ऑफ हिज पंचुअलिटी एंड his पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम और सारे टीचर्स उस पर क्या करते हैं प्राइजेस करते हैं उसकी बढ़ाई करते हैं कि वो टाइम टू टाइम उसने क्या कर लिया अपने सारे काम को व्यवस्थित कर लिया है उसके पेरेंट्स भी पे उस पर क्या करते हैं प्राउड करते हैं फील इन डिग्निटी उसके पेरेंट्स उस पे क्या करते हैं सबसे ज्यादा प्राउड करते हैं उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारा बच्चा अब वो क्योंकि अब उससे डेली स्कूल जाने लगा अपने होमवर्क को कंप्लीट करने लगा उसकी पंचुअलिटी को देख के उसकी जो काम करने की क्षमता है उसने अपनी काम करने की क्षमता को कैसे देखो व्यवस्थित कर लिया अब डेली स्कूल जाता है अपने होमवर्क को कंप्लीट करता है और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद खेलता भी है खेलने के बाद आने के बाद खाना खाता है फिर अपना होमवर्क वापस चीज़ों को रिवाइज़ करता है कि नहीं है तो उसके पेरेंट्स और उसके टीचर उसकी जो काम करने का तरीका उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा आपका चैप्टर अच्छे से आप भी मेरे साथ साथ में रीड करें मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक यू